एक बार की बात भैरो, एक और जो है एक संत के पास जा कहने लगी, महाराज कोई ऐसा ताबीज बनाकर दे दो मैंने कि रात ने मेरे बच्चे भूख के मारे रो को जा, मेरे को ऐसा ताबीज बनाकर दे दो कि मेरे बच्चे जो है रात ने भूख के मारे रो को ना। संत ने भी कुछ चार पांच शब्द लिखे और ताबीज बनाए, उसके हाथ में दे दिया, जा बेटा अपने घर में दर ले। अब काले संत ने अपनी बात तो पक्की करनी थी तो बात चलेगी, रात ने बाहर वही परेशानी होनी थी। हो तो दांत ने देखा है तो एक धड़ाम से कोई चीज पड़ी घर बरामदे में, जाके देखा तो उसमें नोट है, नोट उसे पर्ची थी कि बेटा इससे कोई बिजनेस चालू करो अपना। तो उसके घराड़े ने के कह भाई अगले दिन तो दुकान देखी और भाई पैसा लगा लोगों के अपना काम चालू कर दिया, काम चालू कर दिया। भूपाड़े ने बरकत ज्यादा करी, जब बरकत ज्यादा धनाना चालू हो गया, एक से दो दुकान, दो से चार, चार से छह बढ़ते चले गए। एक दिन उस औरत के दिमाग माही के देखे, वो तबीज के दिया था मार्जिन देखते लू है क्या इसी चीज, जाके ऊपर तबीज में खोल के देखा तो उसमें लिख रखा था कि बेटा इस धंधा ना इकट्ठा करके अपने घर में मत रखिए, जब तू देने लायक हो जाना, देखे किसी और का बालक रोता हो तो उसके घर भी जो एक काम करे जो तेरे घर में करा गया। इंसान की फितरत के अपना काम करा, घर बैठ जा, दूसरे न्यू ना बताओ, देखे तुम चला जाओ, जाके तेरा फायदा होगा, कते इन्हें बताओ पायो। जय जय श्री राम।